प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल हमीरपुर, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं यही इस दिवस पर, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशल है, यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि एक महिला जो अपने घर को इतने अच्छे तरीके से संभालती है, अगर वो शिक्षित होगी तो पूरा देश शिक्षित होगा, वो पूरे समाज के भविष्य के निर्माण में बहुत अच्छे तरीके से अपना योगदान दे सकेगी जब वो महिला एक शिक्षित होगी। और मैं सलाम करती हूँ आज इस दिन पर उन महिलाओं को, जैसे कि हमारे साइंस से जुड़े मैडम क्यूरी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती कल्पना चावला जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान जो है वो इस हमारे देश के लिए दिया है। और मैं यही आशा करूँगी कि सभी महिलाएं शिक्षित हों और समाज के एक अच्छे समाज के निर्माण में सभी महिलाएं अपना पूरा पूरा योगदान दें। महिला दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ। वैसे तो सरकार ने भी महिलाओं के लिए विशेष सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं, लेकिन जब हम अखबार में पढ़ते हैं, ईव टीजिंग के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दुख होता है। बेशक सरकार ने हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है, लेकिन अभी भी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं जो हैं सुरक्षित हैं। दुनिया सारी हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। आज 8 मार्च का दिन पूरे विश्व भर में महिला दिवस यानी वुमेन्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन मेनली बेस्ड है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, यानी महिला सशक्तिकरण। इस वर्ष वुमेन्स डे और महिला दिवस की थीम है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। इट मीन्स जितनी भी महिलाएं पूरे विश्व भर में, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ्स, उनको उनकी प्रोग्रेस, उन्नति के लिए हमेशा प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट जो है वो मिलती रहनी चाहिए उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से, उनके नियर एंड डियर वंस की तरफ से। हर महिला, हर गर्ल अपने आप में काबिल है, उसमें कोई ना कोई प्रतिभा, हुनर, कला जो है वो छुपी रहती है। बस ज़रूरत है तो उस प्रतिभा को, उस कला को उभारने की, बाहर लेके आने की। और वो तभी पॉसिबल होगा जब उसकी फैमिली मेंबर्स से, उसके रिलेटिव से उसे प्रॉपर सपोर्ट, एनकरेजमेंट जो है वो मिलती रहे। हर महिला और हर वुमेन आजकल हर फील्ड, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, डिफेंस हो, एजुकेशन फील्ड हो, हर फील्ड में अपना परचम जो है वो लहरा रही है, अपना वर्चस्व जो है हर वुमेन ने कायम किया हुआ है। तो आज आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर की तरफ से, हमारी प्रिंसिपल मैम सोनिका शर्मा की तरफ से, मेरे पूरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, विश्व भर की हर महिला को हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं यही कहूँगी कि जस्ट बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर पावर्स, योर स्ट्रेंथ, जस्ट बी हैप्पी एंड बी योरसेल्फ एंड बी सेफ। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। थैंक यू। आज महिला दिवस पे हमारी तरफ से सभी महिलाओं को बहुत बहुत मुबारक। और ये दिखाता है, दिन का सेलिब्रेट करना अपने आप में ये दर्शाता है कि महिलाएं जो हैं
वो आत्म निर्भर आत्म सम्मान के साथ और अपनी पूरी योग्यताओं का भरपूर प्रदर्शन जो है वो कर रही है और जितनी कम क्षमताएं वो रखती हैं वहाँ तक पहुँचने की वो पूरी कोशिश जारी है। तो सभी महिलाओं को हमारी तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपने प्रदेश व देश की सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ। आज की महिला हर क्षेत्र में आगे है, सफलता की बुलंदियों पर पहुँच रही है। इसीलिए सभी महिलाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि वो स्वयं को कम ना आंके और हर क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करें। नारी है तभी जीवन है, नारी ही जीवन का आधार है, इस बात को समझें। तथा देश के सभी नागरिकों से मैं आग्रह करती हूँ कि नारी को सम्मान दें, उसकी महत्ता को समझें कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करती हूँ कि आज ये जो महिला दिवस मनाया जा रहा है, मेरी उन विशेष बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो कभी एक संकुचित परिवार में, समाज में दम घुट कर रहती थी, आज हर वर्ग में, हर पक्ष में, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपनी मान और प्रतिष्ठा बढ़ा रही हैं। आज महिलाएं, कभी कहा जाता था कि अबला कहलाती थी, लेकिन आज वो अबला कहलाने वाली नारी सबला बनकर एक दुर्गा, एक सशक्त, एक रानी झांसी के रूप में अपना प्रदर्शन दे रही है और समाज को आगे बढ़ा रही है। आज इस महिला दिवस पर हर जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं, क्योंकि हमारे वेदों में भी नारियों को बहुत सम्मान दिया गया है। सती अनसुईया, सावित्री और अहिल्या जैसी अनेक विभूतियाँ हुई हैं जिन्होंने समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। क्योंकि सावित्री ने यह सिद्ध कर दिया था कि यमराज से भी वो अपने पति को छीन कर लेके आई, क्योंकि ये तभी साबित हुआ, उसमें एक सशक्त महिला थी, कुछ करने की निष्ठा थी। और इसी तरह आज समाज में भी महिलाएं किसी भी कार्यक्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हमीरपुर की ही बात ले लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रधान पद पर बैठी हुई हैं, चाहे वो राजनीति के पक्ष में हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो। मेरे कहने का भाव कि बेटियों को पढ़ने दें, पढ़ाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, उनमें सकारात्मकता भरें और अच्छे विचार देके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मेरा आह्वान रहेगा मेरी उन सभी बहनों से जो बेटियों को गलत सोचती हैं, बेटियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहती, बेटियों को पढ़ाएं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में अपना भागीदारी बनाएं और बेटियों को अच्छी शिक्षा दें ताकि बेटी हर क्षेत्र में आगे रहे। मैं फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देना चाहूँगी कि आज ही के दिन
हमें वोट डालने का अधिकार मिला है और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे हमीरपुर जिला की एक बेटी जो प्रधान है वो IAS करने जा रही है। इसलिए मैं उस बेटी को भी बधाई देना चाहूँगी कि उसने भी समाज में एक ज्योति जलाई है, एक ऐसी ज्योति जो अनेक दीपों को प्रज्वलित कर सकती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ भगवान का निवास भी होता है। इसलिए आज के इस विशेष दिन पर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। सभी को मैं बधाई देती हूँ। कौन कहता है कि बदलता है जमाना, कौन कहता है कि बदलता है जमाना। अक्सर औरतें वे होती हैं जो अपनी अच्छी शिक्षा और संस्कारों के द्वारा इस जमाने को बदल देती। सब महिलाएं जो हैं वो महिला दिवस मना रहे हैं, बल्कि हम ही नहीं पुरुष भी महिला दिवस मना रहे हैं। तभी आप देखो ना हमें कवर करने आए हैं, ठीक है। तो महिला दिवस जो है वो 1909 में ब्रिटेन में 8 मार्च को सबसे पहले मनाया गया था। जो महिला दिवस है उसके मनाने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन महिला दिवस हो। हम तो कहेंगे कि रोज ही महिला दिवस हो, क्योंकि ये समाज जो है बिना महिलाओं के नहीं चल सकता। आज हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पदार्पण कर चुकी हैं जो कभी पुरुषों के लिए ही मानी जाती थी, जैसे हवाई जहाज उड़ाना, वायुयान उड़ाना और सेना में। लेकिन महिला दिवस या महिलाओं का सम्मान जो है वो आज भी समाज में हम देखते हैं कि बहुत परिवारों में नहीं होता। तो केवल महिला दिवस का मतलब ये नहीं है कि वो निकल के बड़ी बड़ी नौकरी कर लें, बड़े बड़े पदों पर वो सुशोभित हो जाएं। होना ये चाहिए कि हर महिला को, हर परिवार के, समाज में जितने भी परिवार हैं, ये देश है, इसकी हर महिला को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें उनके अधिकार मिलना चाहिए। आज ही अगर आप बाहर जाके कहीं देखेंगे ना तो केवल महिला दिवस जो है हम सिर्फ कहने के लिए मना रहे हैं। अभी देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई बेचारी अपने सर पे गठड़ी लेके जा रही है घास की, कोई बर्तन मांझकर अपना गुजारा कर रही है। तो इस तरह से महिला दिवस मनाने का या सिर्फ कहने के लिए नहीं मनाना चाहिए कि ठीक है साल में एक दिन 8 मार्च आ गया और हमने महिला दिवस मना लिया, हमने बड़ी बड़ी जो है सभाएँ कर ली, बड़ी बड़ी जो है वो प्रोग्राम कर लिए, कार्यक्रम कर लिए। ये नहीं होना चाहिए। वास्तव में महिला दिवस तब मनेगा जब इस समाज का पुरुष महिलाओं को एक सम्मानित दृष्टि से देखे और महिलाओं का जो अधिकार है वो उसे छीनना ना पड़े, पुरुष भी दें और उसे वो अधिकार खुद ही मिल जाए, तब हमारा महिला दिवस जो मनाने का उद्देश्य है वो सार्थक होगा। और जैसे भी ये सब हम लोग यहाँ पे जो भी खड़े हैं आपके सामने खड़े हो गए हैं आकर, और हम बोल भी रहे हैं महिला दिवस पर, लेकिन मैंने जैसे भी आपको बताया कि भाई अभी भी बहुत कुछ महिलाओं को लेना है अधिकारों के रूप में। एक बात मैं बस ये भी कहना चाहूँगी कि पुरुष को कभी भी अपने आप को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, तो महिलाओं को ही सिद्ध करने की क्यों ज़रूरत पड़े कि हाँ जी मैं महिला हूँ। और एक महिला क्या नहीं कर सकती, देखा जाए तो महिला जो है आज हमारी दोहरी जिंदगी जी रही है, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी को निभा रही है। कैसे निभा रही है, वो बाहर निकल के भी काम कर रही है और अपने घर को भी उतनी अच्छी तरीके से देख रही है, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी वो खुद पढ़ाती हैं, टाइम नहीं होता तो रसोई में बैठ के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो महिलाएं जो हैं वो बहुत प्रकृति की तरफ से कोमल जरूर हैं लेकिन जिम्मेदार होती हैं। तो इसलिए आज की जो हमारी नारी है वो वाकई बहुत ही यस मैम क्या कह रही कोमल हाँ नारी प्रकृति की तरफ से कोमल है लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ कमी है
वो पूरी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई महिला को अपना अधिकार छीनना नहीं चाहिए, उसे उसका अधिकार पूरी तरह से मिलना चाहिए। तो तभी हम हमारा ये जो महिला दिवस मनाने की बात है या उद्देश्य है वो सार्थक होगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। नमस्कार एच टुडे के सभी दर्शकों को, आज महिला दिवस के शुभ उपलक्ष्य में आप सभी को आशियाना पब्लिक स्कूल अणु हमीरपुर की ओर से बधाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन 8 मार्च को पूरे विश्व भर में यह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज की नारी जो है वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। अगर हम बात करें जैसे कि पेप्सी की सीईओ इंदिरा नुई हूँ, चाहे आईसीआई के चंदा कोचर, या खेल जगत में हम बात करें साइना मिर्जा की या साइना नेहवाल। जैसे कि हम सबको मालूम है कि मुझे आशा है अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो हमारी बेटियां, बहुएं और माएं जो है वो पूरे भारत भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना वो देश का नाम रोशन कर सकती हैं। थैंक यू। मार्च है और इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मना रहे हैं। ये दिन मनाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि डे बाय डे जो देश में महिलाओं की, वुमेन की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा डेवलप भी कर रही है और साइड में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, तो जागरूक करना महिलाओं को बहुत जरूरी है। महिला को चाहिए कि वो सशक्त बने और अपने ऊपर किसी भी क्राइम को हावी ना होने दे, और इसके लिए बच्चों का, गर्ल्स का और बेटी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, उसका बोल्ड होना बहुत जरूरी है और उसकी परवरिश ऐसे ढंग से की जाए कि वे आने वाले टाइम में समाज में किसी भी सोशल इवल का सामना जो है वो कर सके। तो आज मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन महिलाओं को जो के देश में बड़े ऊंचे काम करके देश का नाम रोशन कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन महिलाओं को बहुत बहुत बधाई, और वो महिला इस बधाई की बहुत हकदार है जो गृहिणी है और घर में अपने बच्चों की परवरिश इस ढंग से कर रही है कि बच्चे जो हैं उसके आगे बढ़कर जो है देश की सेवा में काम आ रहे हैं। तो गर्ल्स का खासकर बहुत ध्यान रखना चाहिए। बेटी को अगर आप ये सोचें कि वुमेन का मतलब क्या है, कि सबसे पहले हमारी माँ इसमें आती है। माँ, एक औरत जो है वो माँ बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर रिश्तों की सेवा करती है, तो हमें उसे ऐसे आंकना चाहिए कि सचमुच ये हमारी एक देवी से कम नहीं है। तो अगर समाज में ये वाला मैसेज अगर रहेगा कि वुमेन जो है वो रिस्पेक्टेबल है और उनको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो शायद क्राइम रेट धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। तो इसमें पहले जागरूक होना महिलाओं को ही बहुत ज़रूरी है।